उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विधायकों ने जमकर हंगामा किया और राज्य के गवर्नर के सामने पेपर फेंकने शुरू कर दिए। दरअसल राज्य के गवर्नर राम नाइक सदन में बजट सत्र से पहले योगी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे। उसी वक्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विधायकों ने जमकर हंगामा किया और उनके ऊपर पेपर फेंके। संबोधित करते हुए श्री राज्यपाल के सामने जिस प्रकार का आचरण मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने किया है वह अत्यंत निंदनीय है। संसदीय लोकतंत्र इस प्रकार के असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक प्रदर्शन से तार तार होता है। संसदीय लोकतंत्र की गरिमा इस प्रकार के आचरण से गिरती है। जिस प्रकार से श्री राज्यपाल के प्रति वहां पर नारेबाजी हुई, समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने गुंडागिर्दी की हद में जाकर के श्री राज्यपाल पर कागज के गोले उछाले और निशाना लगा करके उन पर प्रहार करने का प्रयास किया गया, यह अत्यंत ही निंदनीय आचरण रहा है। जिस तरीके का अभद्र और अशिष्ट व्यवहार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने समवेत सदन को संबोधित करते हुए श्री राज्यपाल के सामने किया है, यह उनका आचरण अत्यंत ही निंदनीय है। संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है।